इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम बात करेंगे दरभंगा राज के इतिहास की। दरभंगा राज का इतिहास बाकी रियासतों से अलग है क्योंकि दरभंगा एक रियासत नहीं थी, वो एक्चुअली एक ज़मींदारी थी। उसके कम रियासतों से ज़मींदारी के कम पावर हुआ करते थे, पर दरभंगा राज का भारत के इतिहास में, स्पेशली आधुनिक भारत के इतिहास में इतना महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है कि आप दरभंगा के इतिहास को इग्नोर नहीं कर सकते। जो दरभंगा के जो महाराजा थे, हैदराबाद के निज़ाम और बड़ौदा के गायकवाड़, उसके बाद तीसरे सबसे अमीर और शायद ब्रिटिश वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द ब्रिटिश एम्पायर थे, तो इसीलिए हमें राज दरभंगा की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। राज दरभंगा का या दरभंगा राज का इतिहास समझने के लिए हमें उसका एक एरिया या जियोग्राफिकल स्प्रेड को समझना बहुत ज़रूरी है। जो बिहार के बाहर के ज़्यादातर लोग हैं वो ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि बिहार जो है वो कई डिस्टिंक्ट रीजन्स में बटा हुआ है जिसका अपना इतिहास है। जो बिहार का जो उत्तरी भाग है, जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ जो भाग है, उसे मिथिला या तिरहुत भी कहा जाता है। अब मिथिला जो है वो रामायण के काल में राजा जनक का राज्य हुआ करता था और जो देवी सीता है, भगवान श्री राम की पत्नी, वो इसी मिथिला की राजकुमारी थी और इसीलिए सीता मैया को मैथिली और जानकी भी कहा जाता है। तो मिथिला का अगर आप क्षेत्र देखें तो बहुत ही फर्टाइल और समृद्ध इलाका है ये। यहाँ पे नदियाँ, जो नेपाल से आने वाली नदियाँ, हिमालय से आने वाली नदियाँ बहती हैं। फिर यहाँ पर बहुत अच्छी ज़मीन है। यहाँ पर एक समय घने जंगल हुआ करते थे जिसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हुआ करते थे, तो एक बहुत ही समृद्ध ये इलाका है और इसी समृद्ध इलाके में पनपती थी एक समृद्ध मैथिली संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी कला। और यहाँ पर जो और जो मिथिला क्षेत्र है वो अपने जो स्कॉलर्स जिसे महामहोपाध्याय और महोपाध्याय कहा जाता था, वो अपने स्कॉलरशिप के लिए, लर्निंग और कल्चर के लिए ये पूरा इलाका जाना जाता है। इस एरिया का इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि 9वीं शताब्दी में यहाँ पर कर्नाटकी राजा या कर्नाटक राजाओं का जो सत्ता चली यहाँ पर, उस समय जो हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि ज्ञानदेव करके एक चालुक्यन राजा थे, जो आज का जो महाराष्ट्र कर्नाटका का एरिया है वहाँ से वो आए और उन्होंने मिथिला में अपना राज्य बसाया। बाद में इन कर्नाटक या कर्नाटकी राजाओं की, फिर जो बंगाल के जो सेना राज थे उनके साथ लड़ाइयाँ होती थी, उसके हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। उनकी राजधानी थी सिमरौगढ़, जो नेपाल बॉर्डर के जस्ट उस साइड पे है, जो नेपाल के अंदर है, उसके और अभी सिर्फ कुछ अवशेष ही मिले हैं। तो इस तरह से ये जो मिथिला क्षेत्र है वो एक बहुत ही समृद्ध राज्य कर्नाटकी राजाओं का हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली इस राज्य को नज़र लग गई और 1324 में एक बड़ी फौज के साथ गियासुद्दीन तुगलक ने सिमरौगढ़ और इस राज्य पर हमला कर दिया। यहाँ के राजाओं की हार हुई और वो नेपाल की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें उन्होंने शरण ली। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब
आखिरी ये जो चालुक्य या कर्नाटकी राजा नेपाल चले गए, तो उन्होंने जो उनकी जो कुल देवी थी तुलजा भवानी, उसका एक यंत्र के फॉर्म में, यू नो उस समय मूर्तियां नहीं हुआ करती थी, जो देवी की जो शक्ति थी वो शक्त, जो हिंदू धर्म का जो शक्त ट्रेडिशन है उसके अनुसार एक यंत्र के फॉर्म में होता था। तो वो यंत्र को, वो देवी का जो भवानी का जो यंत्र है वो अपने साथ नेपाल ले गए, और फिर बाद में उनके जो वंशज है जो मल्ल राजा हुए नेपाल के, उन्होंने उसे बख्तापुर में स्थापन किया, और आज भी जो तलेजू भवानी का मंदिर है वहाँ पर, वो इसी मिथिला जो पहले कर्नाटक और फिर इसी मिथिला क्षेत्र से आया है। उसके बाद जब कर्नाटकी राजाओं का राज ख़त्म हुआ, उसके बाद ओयनवारा यहाँ पर डिनेस्टी का राज हुआ, वो मैथिली ब्राह्मण राजा थे, उन्होंने यहाँ पर लर्निंग कल्चर ट्रेडिशन मैथिली भाषा को बहुत यहाँ पर उसे प्रमोट किया। ओयनवारा राजाओं के काल में ही अराउंड 1350s में यहाँ पर मिथिला में ही एक बहुत फेमस कवि हुए जिन्हें विद्यापति कहा जाता है। वो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया। आई मीन दुख की बात है कि हम वेस्टर्न पोएट्स को जानते हैं और मॉडर्न पोएट्स को जानते हैं, बट बहुत कम हिंदुस्तानी लोग हैं जो विद्यापति जो महाकवि हुए उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उनके बारे में जानते हैं। उनका इन्फ्लुएंस न सिर्फ मिथिला भाषा पर था और मिथिला संस्कृति पर था, पर इवन बंगाल तक। ये भी कहा जाता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी विद्यापति जी के जो कॉम्पोजिशन थे उससे बहुत प्रभावित हुए। आगे उनकी कविताओं का इन्फ्लुएंस उड़ीसा असम वहाँ तक हुआ, और कई स्कॉलर्स का मानना है कि जिस तरह यूरोप में जो अंग्रेज़ी भाषा पर जैसे चौसर का जो इन्फ्लुएंस हुआ, वही हिंदुस्तानी भाषाओं पर विद्यापति महाकवि का इन्फ्लुएंस था। ये ओयनवारा राजाओं का काल था। अराउंड 1526 में यहाँ पर ये जो मिथिला है वहाँ पर बहुत बड़ा हमला हुआ, जो नुसरत शाह है बंगाल के सुल्तान उनका, और ओयनवारा राजाओं की हार हो गई। उस समय काफ़ी तबाही जो बंगाल के सुल्तान हैं उन्होंने मिथिला क्षेत्र में जो मचाई थी, और अगले ऑलमोस्ट 30-40 सालों तक यहाँ पर एक लॉलेसनेस की परिस्थिति थी। यहाँ पर लुटेरे थे, यहाँ पर गैंग्स आती थी लूट कर जाती थी, एक अनार्की का सिचुएशन था। लेट 1500s में जब मुग़ल बादशाह अकबर ने बंगाल पर और इस पूरे एरिया पर कब्ज़ा कर लिया, तब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये पूरा क्षेत्र बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है, और अगर इसे अच्छी तरह से मैनेज किया गया तो इससे काफ़ी इनकम मुग़ल साम्राज्य को मिल सकता है। उस समय इस पूरे क्षेत्र को सरकारे तिरहुत कहा जाता था, और उस समय फिर क्या हुआ, एक बहुत ही जो विद्वान एक पंडित थे, मैथिली ब्राह्मण पंडित थे महेश ठाकुर करके, और उनसे जो बादशाह अकबर है वो बहुत ही प्रभावित हुए। तो उन्हें लगा कि अगर हमने ये पूरे अपने जो मिथिला और सरकार तिरहुत के जो पावर्स हैं वो अगर हमने महेश ठाकुर को दे दिए तो वो बहुत अच्छी तरह से शासन करेंगे और उससे मुग़ल साम्राज्य को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस तरह से ये जो पूरा इलाका है वो महेश ठाकुर को 1577 में एक ग्रांट के तौर पर दे दिया गया, और इसी से शुरुआत हुई दरभंगा राज परिवार की। दरभंगा का नाम दरभंगा कैसे पड़ा, इसके काफ़ी थ्योरीज है, बट सबसे पॉपुलर तो यही है कि उसका नाम आता है द्वार बांग्ला से, द गेटवे टू बंगाल। दरभंगा के जो राजा थे वो
मधुबनी के पास एक उनकी उनका एक किला था जिसे भवड़ा गढ़ी कहा जाता था। अनफॉर्चुनेटली आज वो नहीं है क्योंकि इतने वो एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया होने की वजह से हर कुछ साल में अर्थक्वेक आता है तो काफ़ी इमारतें गिर जाती हैं। और फिर मुगल काल में जो दरभंगा के जो राजा है वो राज करते रहे और जो मुगलों को पैसा देते रहे। उसके बाद जब 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य टूटने लगा तब ये जो पूरा इलाका है वो जो बंगाल के नवाब है उनके अधीन हुआ। अब जो यहाँ के जो दरभंगा के जो राजा है उनकी एक उनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, उनकी अपनी एक पुलिस फोर्स थी, आर्मीज थी एंड ऑल, और वो जो बंगाल के नवाब है उनको ट्रिब्यूट दिया करते थे। बाद में जब प्लासी की लड़ाई हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर पहले बंगाल की दीवानी और फिर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही हड़प लिया, तब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो धीरे धीरे करके ये जो सारे राजा है बंगाल के उनकी पावर को ख़त्म करने लगे। और जो सेमी इंडिपेंडेंट राजा हुआ करते थे दे वर डाउनग्रेडेड एज ज़मींदार्स, उन्हें ज़मींदार बनाया गया कि आप फौज नहीं रख सकते, आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं रख सकते, आप सिर्फ ज़मींदार हो, ये पूरा जो इलाका है वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और आपको जो ब्रिटिश सरकार है उसको टैक्स देना है। तो इंटरेस्टिंगली उड़ीसा में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जैसे कि मयूरभंज, ढेंकनाल और केओंझर और ये सब, ये भी ज़मींदारीज थे, पर इन्हें जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने एक उल्टा सिस्टम अपनाया और जो ज़मींदारी से अपग्रेड करके उन्हें रियासत बना दिया। तो इसीलिए यू नो जब ये जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं दरभंगा रियासत नहीं था और वो तो एक सिर्फ एक ज़मींदारी था और उसका महत्व नहीं है, तो उस समय आपको समझना पड़ेगा कि एक बहुत ही फ्लूइड परिस्थिति थी। तो आपको इन 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 शक्तियों का, इन राज परिवारों का इन्फ्लुएंस देखना चाहिए, उन्होंने जो इतिहास में जो क्या कंट्रीब्यूशन किया वो देखना चाहिए। तो ये ब्रिटिश बंगाल के अंडर दरभंगा आ गया। उस समय तो उनकी ताकत इतनी बड़ी नहीं थी। इनफैक्ट जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शुरुआती काल था उस समय बर्धवान के जो राजा हैं या बिश्नुपुर के जो राजा है वो काफ़ी ताकतवर हुआ करते थे। दरभंगा का इतना नाम नहीं आता था, इट वाज अ रिमोट एरिया, जंगल वाला एरिया एंड ऑल। 1850s तक ये जो पूरा क्षेत्र है वो काफ़ी बैकवर्ड इलाका था, पर 1858 में क्या हुआ, यहाँ के जो महाराजा है महाराजा महेश्वर सिंह, उनका निधन हो गया और उनके जो दो बेटे थे लक्ष्मेश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह, उनकी उम्र बहुत कम थी। तब अंग्रेज़ सरकार ने इस पूरे जो इलाका है, जो राज दरभंगा है, उसे अपने जो उन्होंने अपने गार्डियंस या हम बोल सकते हैं मैनेजर्स बिठाए, जिसे कोर्ट ऑफ वार्ड्स कहा जाता था। उस समय कैसा होता था, जब ये ज़मींदार जब छोटे उम्र के होते थे, नाबालिग होते थे, तो ब्रिटिश कोर्ट ऑफ वार्ड्स वहाँ पर बिठाते थे अपने मैनेजर, इंग्लिश मैनेजर्स होते बिठाते थे। तो ये जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स हैं उन्होंने दरभंगा ज़मींदारी को इतनी अच्छी तरह से संभाला कि धीरे धीरे ये पूरा इलाका प्रोग्रेस करने लगा। उसके साथ ही आपको समझना पड़ेगा कि दरभंगा जो है वो 2400 स्क्वायर माइल का क्षेत्र था और ये जो पूरा इलाका था वो दरभंगा राज परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, लाइक बड़ौदा स्टेट गायकवाड़ों की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी या फिर इवन गोंडल महाराजाओं की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, बट पूरा मोस्ट ऑफ जो मिथिला का जो आज का जो इलाका है वो दरभंगा महाराजाओं की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह जब बड़े हुए तब वो बहुत ही एनलाइटेंड आदमी बने, उन्हें शिक्षा में बहुत इंटरेस्ट था, उन्हें कल्चर आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, उन्हें प्रोग्रेसिव आइडियल्स में बहुत इंटरेस्ट था और ये हमें दिखता है उनके जो दोस्त थे, उनके कॉन्टैक्ट्स थे, उनका वर्ल्ड व्यू है उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो उस समय ना ये समय है जो 1850s और 1900 के बीच में जब एक वेव ऑफ सोशल रिफॉर्म चल रहा था भारत भर में,
जैसे कि प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, सत्यशोधक समाज, और वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ, विडोरी मैरिज के फेवर में, जो जो बच्चे लाइक चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, ऐसे काफ़ी उन्होंने उस समय अभियान देशभर में चल रहे थे और उन सब को सपोर्ट कर रहे थे महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह। पूना में एक कहाँ पर उस समय, यू कैन इमेजिन कि दरभंगा कहाँ पर है और पूना कहाँ पर है, पर पूना में एक सोशल रिफॉर्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, पूना सार्वजनिक सभा, उसके सबसे बड़े फाइनेंसियर थे महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह। सिमिलरली बंगाल के जो कई सोशल रिफॉर्मर्स को महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने फाइनेंशियली मदद की। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह का भारत के इतिहास में सबसे इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन रहा है वो है एज अ पेट्रन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1880s में शुरुआत हुई थी, तब पहले इन शुरुआती दिनों में सबसे मेन फाइनेंसियर उसके महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ही थे। अब वो एक बहुत बड़े ज़मींदार थे, महाराजा थे, तो वो लाइक ओपनली कांग्रेस को फाइनेंस नहीं कर सकते थे, तो वो इनडायरेक्ट तरीके से वो फाइनेंस करते थे। दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब 1888 का इलाहाबाद सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तब जो ब्रिटिश सरकार है उसका एक बहुत दबाव था कांग्रेस पर, कांग्रेस पर, और जो इलाहाबाद का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर, कि आप उनको जो कांग्रेस का सेशन करने के लिए कोई जगह नहीं दीजिए, और जो कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही थी यहाँ पर इलाहाबाद में सेशन लेने के लिए। तब महाराजा ने एक बहुत बड़ी कोठी थी जिसे लाउथर कासल और फिर बाद में दरभंगा कासल कहा जाता था, जिसका एक 60 एकर का कंपाउंड था, और उसे खरीद कर कांग्रेस को दे दिया कि आप लीजिए और यहाँ पर अपना सेशन लीजिए। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन था। आज वो बिल्डिंग अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट नहीं करती और वहाँ पर एक दरभंगा कॉलोनी करके एक बड़ी कॉलोनी है इलाहाबाद में, पर ये हमें बताता है कि जो महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह थे, आई मीन ही हैड सिंपथी फॉर द इंडियन कॉज, और वो अपने सिर्फ मैं राजा हूँ और मेरी ताकत और मेरे प्रिविलेज उससे बढ़कर देश के बारे में, सोशल रिफॉर्म के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते थे। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के समय ही दरभंगा की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक जो आनंद बाग पैलेस या लक्ष्मेश्वर पैलेस है, जहाँ पर अभी संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसे बनाया गया, और जो उसके आर्किटेक्ट थे वो सर चार्ल्स मैंट, जिन्होंने बड़ौदा का लक्ष्मी विलास पैलेस भी बनाया, वो उसके आर्किटेक्ट थे। और अनफॉर्चुनेटली जो महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह हैं, उनकी बहुत कम उम्र में ही उनका निधन हो गया, वो अपने 30s में थे, और फिर गद्दी पर बैठे उनके छोटे भाई महाराजा रामेश्वर सिंह। महाराजा रामेश्वर सिंह जो है वो अपने बड़े भाई से काफ़ी अलग थे, वो एक रिलीजियस कंजर्वेटिव थे, वो सोशल कंजर्वेटिव थे, बट उनका भी जो योगदान भारत के इतिहास में रहा है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट एक किताब निकली थी, मिस्टर तेजकर झा ने लिखी है, जिसमें काफ़ी हमें तथ्य मिलते हैं कि किस तरह महाराजा रामेश्वर सिंह वॉज वन ऑफ द मूविंग फोर्सेस बिहाइंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो निर्माण हुआ, तो जनरली लोग पंडित मदन मोहन मालवीय को क्रेडिट करते हैं, बट सच बात तो ये है कि मालवीय जी के साथ महाराजा रामेश्वर सिंह का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो हिंदू यूनिवर्सिटी कमेटी है, जो कमेटी बनी थी इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसके वो प्रेसिडेंट थे, महाराजा रामेश्वर सिंह के इन्फ्लुएंस की वजह से ही इतना पैसा इकट्ठा हो सका कि जो बनारस की यूनिवर्सिटी को बनाया जा सके। और जब इनॉग्यूरेशन हुआ तब उसमें भी उन्होंने एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी। एजुकेशन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो जो
उन्होंने जो कैलकटा यूनिवर्सिटी है उसको बहुत सारा डोनेशन दिया और उसी के कारण जो दरभंगा बिल्डिंग है कैलकटा यूनिवर्सिटी की वो बनी। उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस को काफ़ी पैसा दिया, पटना में काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पैसा दिया। वो भारत धर्म महामंडल के प्रेसिडेंट थे, आई मीन इट वाज अ काइंड ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आज हम हिंदू महासभा या आरएसएस बोल सकते हैं। तो उस समय जो भारत धर्म महामंडल है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एक हिंदुओं की बॉडी मानी जाती थी। महाराजा रामेश्वर सिंह का अगर एक और क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो है इंडियन इंडस्ट्री में। वो उस समय अभी क्योंकि दरभंगा राज का इनकम, उनका पर्सनल इनकम ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए हर साल था और उस समय 50 लाख वाज एन अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। उन्होंने ये सारा पैसा इंडस्ट्री में लगाया। लोगों को जान के ये बहुत ताज्जुब होगा कि दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह वॉज द सिंगल बिगेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर इन टाटा स्टील। जब टाटा स्टील बना था तो उन्होंने उसमें काफ़ी पैसा डाला था, बिकॉज़ वो चाहते थे कि भारत का विकास हो। अगर आप उनके स्पीचेस देखें तो वो बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की, ट्रेनिंग स्कूल्स की, रिन्यूएबल एनर्जी की, इलेक्ट्रिफिकेशन की। तो और अगर ये देखकर आपको पता चलता है कि इंडस्ट्री, स्पेशली इंडस्ट्री के तौर पे उनका कितना विजन रहा होगा। आई मीन यहाँ तक कि ना सिर्फ उन्होंने जो बिहार है वहाँ पर फैक्ट्रीज खोले, बट इवन जो नवसारी है जो जमशेद जी टाटा का जो और गांव है गुजरात में, वहाँ पर भी उन्होंने दरभंगा मिल्स खोली नवसारी में। और उन्होंने रेलवेज की भी शुरुआत की, तिरहुत रेलवेज उस समय कहा जाता था। महाराजा रामेश्वर सिंह से जुड़ी और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ही वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल तांत्रिक इन इंडिया। उन्होंने तांत्रिक जो शास्त्र है उसका इतना अभ्यास किया था कि लोगों का कहना है कि उनके पास तांत्रिक शक्तियाँ थी जिससे वो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते थे। महाराजा रामेश्वर सिंह ने जो दरभंगा के पास में जो राजनगर हैं, आज उसके सिर्फ खंडहर ही बचे हैं, वहाँ पर वो अपनी राजधानी निर्माण करना चाहते थे। और वहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर महल और जो कोठियाँ हैं और मंदिर हैं और वो बहुत एक खूबसूरत लेआउट किया था। अनफॉर्चुनेटली 1934 का जो नेपाल बिहार अर्थक्वेक हुआ उसमें पूरा राजनगर ध्वस्त हो गया। 1920s में महाराजा रामेश्वर सिंह का निधन हुआ और उनके बेटे महाराजा कामेश्वर सिंह दरभंगा के महाराजा बने। महाराजा कामेश्वर सिंह अपने पिता से बहुत ही अलग थे, वो बहुत मॉडर्न थे, बहुत प्रोग्रेसिव थे। अनफॉर्चुनेटली गद्दी पर आने के कुछ ही समय बाद 1934 का द ग्रेट बिहार अर्थक्वेक हुआ, जिसमें राज दरभंगा का काफ़ी नुकसान हुआ। इनफैक्ट ऑलमोस्ट पूरा दरभंगा शहर ध्वस्त हो गया, राजनगर ध्वस्त हो गया, उनके सारे महल भी ध्वस्त हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, यहाँ तक कि अस्तबल और जो स्टाफ क्वार्टर्स थे वो भी तबाह हो गए। और महाराजा कामेश्वर सिंह को लिटरली ही हैड टू रीबिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। उनको हर चीज़ फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ी। और एक बहुत ही कमेंडेबल है कि ज़ीरो से स्टार्ट करके स्टिल जब उन्होंने 1960s में जब उनका निधन हुआ तब ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ इन इंडिया। महाराजा कामेश्वर सिंह जो थे उन्होंने न्यूज़पेपर्स की शुरुआत की, इंडियन नेशन और आर्यवर्त, ये उस समय के जो बिहार के सबसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे वो उन्होंने चलाए। उन्होंने एक एविएशन कंपनी की शुरुआत की जिसे दरभंगा एविएशन कहा जाता था, जिसके जो 1960s तक नॉर्थ ईस्ट में और बिहार में वो बहुत महत्वपूर्ण उसने भूमिका निभाई। उन्होंने शुगर फैक्ट्रीज़ का निर्माण किया, उन्होंने पेपर फैक्ट्रीज़ का निर्माण किया और जूट मिल्स का निर्माण किया। तो वो चाहते थे कि बिहार एक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट बने।
जब भारत आज़ाद हुआ और भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कॉन्स्टिट्यूशन भारत का लिखने के लिए, तो महाराजा कामेश्वर सिंह उसके मेंबर थे। बाद में वो राज्यसभा के मेंबर भी बने। इंटरेस्टिंगली जो भारत सरकार है वो ज़मींदारी को अबॉलिश करना चाहती थी और उन्होंने एक लॉ पास किया टेकिंग ओवर ऑल द ज़मींदारीज। तब जो महाराजा कामेश्वर सिंह हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस लॉ को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में वो जीत गए। तब जो भारत सरकार है, जवाहरलाल नेहरू की सरकार है, उसने फर्स्ट अमेंडमेंट पास किया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस फर्स्ट अमेंडमेंट से पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो भारतीयों का फंडामेंटल राइट हुआ करता था, पर जब महाराजा कामेश्वर सिंह कोर्ट में जीत गए तो अपना एजेंडा चलाने के लिए भारत सरकार ने और जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट अमेंडमेंट लाया जिसके अंतर्गत जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो इट वाज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियंस। और फिर उसके बाद महाराजा कामेश्वर सिंह को अपनी ज़मींदारी भारत सरकार को हैंडओवर करनी पड़ी। स्टिल 1961 में जब उनका निधन हुआ तब तक ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। उनका जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी पावरफुल था। वो राजनीति में नहीं आए बट फिर भी ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन। उन्होंने अपने जो महल है, लाइक मोस्ट प्रोमिनेंटली जो आनंद बाग जो पैलेस है, लक्ष्मेश्वर पैलेस, उसे संस्कृत यूनिवर्सिटी को दान कर दिया। उन्होंने अपना पटना का महल जो दरभंगा हाउस है उसे पटना यूनिवर्सिटी को डोनेट किया। तो उन्होंने काफ़ी पब्लिक कॉजेस के लिए अपनी काफ़ी संपत्ति उन्होंने डोनेट की। 1961 में जब महाराजा कामेश्वर सिंह का निधन हुआ तो उनकी कोई औलाद नहीं थी और तब उन्होंने अपनी काफ़ी संपत्ति अपनी वसीयत के अनुसार एक चैरिटेबल ट्रस्ट में दान कर दी। और अभी यू नो उनकी पत्नी जो है, जो महारानी है, वो आज भी है और वो और जो दरभंगा में काफ़ी ट्रस्ट्स हैं जो चैरिटी करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो इस तरह अगर आप देख सकते हैं कि इवन दो दरभंगा रियासत नहीं थी, वो एक ज़मींदारी थी, दरभंगा का जो इम्पैक्ट मॉडर्न इंडिया पर रहा है वो किसी रियासत के इम्पैक्ट से कम नहीं रहा है। और इसीलिए हमें भारत के इतिहास में राज दरभंगा को अपना स्थान देना ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थी कहानी राज दरभंगा की।